गाइजहरू, हामी आज मुम्बई घुम्दैछौँ। यति बेला मुम्बईमा छौँ हामी। यति बेला यही हाम्रो 1000 जनाको टोली यति बेला आज मुम्बई घुम्नको लागि हिँड्दैछ। गाइजहरू सबै घुम्नको लागि हिँडिरहेछ। हामी मुम्बईको लागि यात्रामा छौँ। यति बेला हामी मुम्बईको विभिन्न ठाउँहरू आज हामी भिजिट गर्नेछौँ। यति बेला हामी भर्खरै हामी रेस्टुरेन्टबाट हामी भर्खर बाहिर निस्क्यौँ है। गाइजहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, यो मुम्बईको यो ब्रिज हो, हेर्नुहोस् है। यो मुम्बईमा छौँ, मुम्बईको यो सहरमा छौँ हामी। यति बेला दादरबाट अगाडिनिर लागिरहेका छौँ। यति बेला हामी मुम्बई घुम्नका लागि, मुम्बई दर्शनको लागि हामी यति बेला हामी 11 जनाको टिम यति बेला हामी प्रस्थान गर्दैछौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ, यी यात्रीहरू हुन्। यतापट्टि हाम्रो उमेश भिनाजी र दुर्गा सर हुनुहुन्छ, यतापट्टि हाम्रो बहिनीहरू छन् है। त गाइजहरू चाहिँ यति बेला यो मुम्बईको सहरमा घुम्नको लागि यतापट्टि छन् सर र म छौँ है। मुम्बई सहर हेर्दा लाग्छ रहर है। त साथीहरू, मुम्बई सहरमा छौँ है हामी अहिले। यति बेला यो मुम्बई सहरमा यति बेला हामी घुम्नको लागि हेर्नुहोस् हाम्रो यो घुम्फियो नेपाल युट्युब च्यानल। कृपया यस्तै यस्तै भिडियोको लागि हाम्रो घुम्फियो नेपाल युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूलाई हामी यो मुम्बई भ्लगको बारेमा हामी मुम्बई भ्लग विस्तृत रूपमा देखाउनेछौँ। ट्रेन हेरिरहेछ है साथीहरू, ट्रेन यहाँको लोकल ट्रेन है त, लोकल ट्रेन, लोकल मेट्रो ट्रेन है त, लोकल यहाँको। यसरी हेरिरहेको छ, हेर्नुहोस् त विकास अत्यन्तै, यो विकास देख्दाखेरि साँच्चीकै रहर लाग्छ। देशका, हाम्रो देशका राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि अथवा हाम्रो नेपाल सरकारले पनि यस्तो खालका विकासका पूर्वाधारहरूमा जोड दियो भने अवश्य पनि देश विकास हुने हो। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँको विकास हेर्दा, एउटै लिगमा हेर्नुहोस् उतापट्टिबाट ट्रेन हिँडिरहेछ होइन, 4-5 लेनको बाटो छ, जताततै पिच छ, समथर छ। यो हेर्दाखेरि हामीलाई पनि यति आश्चर्य लाग्छ। साँच्चीकै पनि विकास हुनका लागि सर्वप्रथम त बाटोघाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य नै मेन कुरा हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटो भयो भने नै देशको विकास हुने हो। र साथसाथमा त्यो मात्रले पनि पुग्दैन, त्यसका लागि रोजगारीको सिर्जना पनि गर्नुपर्छ। हामी यति बेला हेर्नुहोस् साथीहरू, हामी यति बेला मुम्बईमा छौँ। ए हेर्नुहोस् त ट्रेन हेऱ्यो है त, ट्रेन ल हेर्नुहोस् है त, ट्रेन ए ट्रेन कुदिरहेछ है, ए ल हेर्नुहोस् ट्रेन कुदिरहेछ है त। हेर्नुहोस् है त यहाँका घरहरू, हेर्नुहोस् घरहरू यस्तो राम्रो राम्रो छ नि। घरहरू चाहिँ एकदम भयङ्कर, 25-30 तला 40-50 60 तला 100 तलाभन्दा माथि अग्ला घरहरू छ नि। काउन्टै गरेर हेर्नु है त, डेकोरेसन है। पुल हाम्रो देशमा एउटा खोला नालामा चाहिँ सामान्य पुल हाल्नलाई कठिनाइ छ, तर यहाँ हरेक बाटोमा चाहिँ ट्रेनहरू चाहिँ पुलमाथिबाट, गाडीहरू चाहिँ पुलमाथिबाट हिँड्छन्, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है। ल हेर्नुहोस् यहाँ जताततै पुलै पुल छ, तल अन्डरबाट चाहिँ गाडी हिँडिरहेछ, माथिबाट ट्रेन हिँडिरहेछ अथवा गाडीहरू हिँडिरहेछ। हाम्रो नेपालमा एउटा सामान्यत एउटा खोलामा अथवा कुनै बर्खाको याममा हिँड्न असहज हुने खोलाहरूमा पुल छैन, बाध्यता छ। जनताहरू आफ्नो जिउलाई जोखिम राखेर हिँड्नुपर्ने देखिन्छ। तर हेर्नुहोस् नेपाल यति हाम्रो चाहिँ छन, हाम्रो सुन्दरतामा हाम्रो नेपाल पनि अत्यन्तै राम्रो छ, तर सुन्दरताले मात्र हुँदैन, त्यसका लागि आधारभूत बेसिक कुरा। ल हेर्नुहोस् साथीहरू, माथिबाट गाडी, तलबाट बस, गाडीहरू हिँडिरहेछ। यो पुल हो, हेर्नुहोस् है त, पुल देख्नुभयो नि साथी होइन। ल हेर्नुहोस् है त साथीहरू, मुम्बई त घरहरू आँखाले पनि हेर्न नभ्याउने, हेर्दा पनि टोपी नै खला जस्तो छ है साथीहरू। हेर्नुहोस् त घरहरू कति हल्का हुन्, हेर्दाखेरि पुरा टोपी नै खला जस्तो छ है घरहरूले। हेर्नुहोस् यी यस्तो विकास छ है त यहाँ, ल हेर्नुहोस् टोपी नै खला जस्तो छ है घरहरूले। हेर्नुहोस् गाइजहरूले, हेर्नुहोस् त घरहरू, ल हेर्नुहोस् घरहरू, ल हेर्नुहोस् घरहरू, यी घरहरू टोपी नै खला जस्तो छ है गाइजहरू, टोपी नै खला जस्तो छ।
लम्बाइ त घरहरु हेर्नुस है त वैष्णवी ट्रैवल्स की तरफ से। देखिए देखिए यहाँ से अभी आपका टूर जो है 5 मिनट की दूरी पर है। जिस एरिए में आपकी गाड़ी रुकी हुई है, इस एरिए को मच गांव के नाम से जाना जाता है। और जहाँ मैं आपको लेके जा रहा हूँ उस एरिया का नाम होगा भाव चाद धक्का। सबसे पहला पॉइंट होता है गेटवे ऑफ इंडिया। लेकिन वहाँ जाने से पहले मैं आपको लेके चल रहा हूँ बोट राइड्स कराने के लिए। और बोट राइड जहाँ पे कराऊंगा उस एरिया का नाम होगा भाव चाद धक्का, जो कि यहाँ से सिर्फ 5 मिनट की दूरी। एक खूबसूरत कोस्टल दर्शन होगा। जैसे ही बोट की टिकट मैं आपके हाथ में दूंगा, टिकट लेके जब आप बोट के अंदर बैठते हो, बोट जैसे ही समंदर से निकलेंगे ना तो स्पीकर ऑन हो जाएगा, यानी कि गाइड ऑडियो गाइड होगा बोट के अंदर, जो आपको समंदर के बारे में जानकारी देगा। समंदर मुंबई शहर कब बनाया, कैसे बनाया, 7 हाईलैंड्स को जोड़ के मुंबई शहर को बनाया गया, इसके बारे में आपको पूरी इतिहास के जानकारी मिल जाएगी ऑडियो गाइड के माध्यम से। 50 मिनट का राइड्स कंप्लीट हो गया। हामी समुद्रको छेउमा आइरहेछौँ है त, हामी समुद्रमा आइरहेछौँ है, समुद्रको छेउसम्म आइरहेछौँ। हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर एकदम माछाको स्मेल आइरहेछ है, एकदम सिद्रा माछा, माछा चाहिँ एकदम गन्दा आइरहेछ। माछा सस्तो होला है यहाँ। हेर्नुहोस् है त, ए पानी जहाज पनि देख्न सकियो है त साथीहरू। हेर्नुहोस् यहाँ, ए पानी जहाज, समुद्र लानुहोस् है त, समुद्र सबै टुरिस्ट गाडीहरू लानुहोस् यहाँ। यहाँ चाहिँ सबै समुद्रबाट, अर्को देशबाट, नजिकको देशबाट चाहिँ सामानहरू आउँछ। यहाँबाट चाहिँ हेर्नुहोस् है, कार्गो यहाँबाट चाहिँ भन्सार जस्तै यहाँबाट लानुहोस्। माछा है, मच्छली लानुहोस् है, मच्छली मच्छली लानुहोस् है त साथीहरू, मच्छली। हेर्नुहोस् साथीहरू, हामी यति बेला यो समुद्रको छेउमा छौँ है त, यो मुम्बईको साइडमा रहेको, पूर्वी क्षेत्रमा रहेको यो समुद्रको छेउमा छौँ है त। समुद्र हेर्नुहोस् साथीहरू, यहाँ यति बेला हामी गेटबाट छिरेर यति बेला हामी लाइनमा छौँ। अब यहाँनिर प्रवेश गर्छौँ हामी केही समयको लागि, यहाँ बोटिङ गर्छौँ है त, बोटिङ गर्दैछौँ है त हामी। हामी अब बोटिङमा स्याहार लक्कलाएर बसौँ, यता यता अगाडि एमै होला नि। ल है, हामी बोटिङ चढ्दैछौँ है गाइजहरू, अब बोटिङको लागि रेडी है त हामी। चलिए चलिए बा बोटिङ है बोटहरू। ल हेर्नुहोस् समुद्र, हामी यति बेला मुम्बईको यो पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने हामी समुद्र छेउमा छौँ। यति बेला हामी बोटिङका लागि तयारी अवस्थामा छौँ। Hello, hi. Thank you.
और सर 1431 में हाजी अली दरगाह बनाई गई थी, गुजरात के मुस्लिम बादशाहों का राज। इन द ईयर 1334 केम द मुस्लिम किंग अहमद शाह फ्रॉम गुजरात। ही वन द फाइट त्यति बेला हामी मुम्बईको यो भाउको भाउको धक्का भन्ने जुन यो समुद्री किनारमा छौँ, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो समुद्रबाट अत्यन्तै इन्डियाका हरेक क्षेत्रमा माछाहरू सप्लाई हुने ठाउँ रहेछ। यहाँबाट माछाहरू जुन समुद्री माछाहरू निकालेर इन्डिया लगायत नेपाल लगायत अन्य देशहरूमा यहाँका माछाहरू सप्लाई गरिरहेछ। यो भनेको मुख्य बन्दरगाह रहेछ, भाउको धक्का भन्ने। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो भाउको धक्का। पुरानो कुलाबा मजगर मलबार हिल वर्ली तरेल यो समुद्री हेर्नुहोस् है त। भाइ भाइ साथीहरू, हामी यति बेला यो मुम्बईको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने हामी यति बेला समुद्रमा छौँ। यो समुद्रको नाम हो धाउको धक्का, धाउको धक्का भन्ने चाहिँ हामी यति बेला समुद्रको बिचमा छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अत्यन्तै माछाहरू निर्यात गर्ने ठाउँ हो रे है। यहाँबाट चाहिँ प्रशस्त मात्रामा माछाहरू चाहिँ निर्यात गरिन्छ। आप लोगों ने कई हिंदी पिक्चरें देखी होंगी, अक्सर पिक्चरों में हाईकोर्ट कॉलेज वगैरह आप लोगों ने देखा होगा। वो कॉलेज और हाईकोर्ट अभी आपके लेफ्ट साइड में आ रहा है। एक्चुअल में वो होगा एसटीटी लाइब्रेरी, प्रधानमंत्री कार्यालय। नाना पाटेकर की अपनी साक्षी देखी होगी, तेजाब अनिल कपूर की, आमिर खान की सरफरोश और गजनी देखी होंगी आप लोगों ने, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। पिक्चर का नाम बता रहा हूँ, गोविंदा की। उस पिक्चरों में कई सीन यहाँ के फिल्माए गए। जब यहाँ पे सिटीजन्स क्राउड नहीं होता है तो अक्सर यहाँ पे फिल्मों की शूटिंग्स वगैरह फिल्माई जाती है। देखो लेफ्ट साइड में, हाँ देखा है ना आपने पिक्चरों में, मनीषा करोला जो नाना पाटेकर को गोली मारने का सीन दिखाएगा। देखो यहीं पे दिखाएगा, तेजाब में, गजनी में। तो देखिए अभी आप लोग जा रहे हो देखने के लिए भारत का प्रवेश द्वार, यानी के गेटवे ऑफ इंडिया। इसे कंप्लीट किया गया था 1911 सेकेंड दिसंबर 1911 2 दिसंबर को, जब इंग्लैंड से फर्स्ट टाइम किंग जॉर्ज क्वीन मैरी वहाँ के जो राजा और रानी आए थे समंदर के रास्ते, उनके स्वागत के लिए उनके वेलकम के लिए गेटवे ऑफ इंडिया को बनाया गया था। ये ओल्ड कस्टम ऑफिस है, कलेक्टर का ऑफिस। और ये चीता गेट देख रहे हो आप लोग, ये जो दीवार आप देख रहे हो ये डॉक्स का एरिया है, नेवल डॉकयार्ड।
जिस तरह बस स्टॉप होते हैं, रेलवे स्टेशन होता है, हवाई अड्डा होता है, उसी तरह पानी के बड़े बड़े जो जहाज होते हैं उसकी पार्किंग मेंटेनेंस सब इसी के इनसाइड में होते हैं, जिसे कहा जाता है बंदरगाह, जिसके अलग अलग गेट है, लॉइंग गेट, एलिफेंटा गेट, मास्टर गेट, चीता गेट। अभी मेन गेट आने वाला है, कोई भी वहाँ पे कैमरा इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो कोई भी कैमरा इस्तेमाल कर रहे हो कैमरा नीचे रख लेंगे, क्योंकि उसके गेट के बाहर आपको दो शेर बब्बर बैठे हुए नजर आएंगे और चार शेर बब्बर आपको खड़े हुए नजर आएंगे, मेरे को लेफ्ट साइड में नजर आएगा। देखो देख रहे हो, दो शेर पीने के लिए चले जाओ, एक्सट्रम कभी भी आएंगे तो चले जाना, चाय वहाँ पे काफी सस्ती मिलती है, ज्यादा नहीं, एक कप चाय की कीमत 475 रुपीज, 475 रुपये। अभी चांदी का कप में देते, आधी कप चाय पीने के बाद चांदी का कप वहीं पे रख के जाना पड़ता है, एक बार चाय पियेंगे तो 6 महीने तक आपको चाय पीने की जरूरत महसूस नहीं होगी, जबान पे नहीं दिल पे लगता है। 12:05 हो रहा है, आधा घंटा 30 मिनट गेटवे ऑफ इंडिया ताज होटल को देख कर आना है, उठा के नहीं लाना है, आधा घंटा। ये जो लेफ्ट साइड में जो रास्ता देख रहे हो उससे जाना है, नाक की सीध में जाना है, नाक की सीध में रिटर्न आना है। सिग्नल क्रॉस करते ही मैं जहाँ पे छोड़ूंगा उस सर्कल का नाम होगा जय जवान जय किसान। 26/11 के बाद टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके बाद मुंबई दर्शन की किसी बस को भी अंदर अलाउड नहीं है, तो जितने भी बस है वो सर्कल में मैं आपको ड्रॉप करूंगा, आपको इसी गली में स्ट्रेट जाना है, ताज होटल गेटवे ऑफ इंडिया फोटोग्राफी करना है, वापस रिटर्न।